घर कैसे देखते हैं? अभी तो अमित शाह जी हर समय नाराज हो जाते हैं। भिलाई में आए थे, 40-50 हजार की भीड़ होगी, बोले 8-9 हजार भीड़ थी। एक घंटे इंतजार करना पड़ा सभा के लिए। फिर अभी रात रात में आते हैं, घुड़की लगा के जाते हैं। अभी जब आरोप पत्र जारी करना था 10:30 बजे, वो 12 बजे शुरू हुआ, हाल भी नहीं भरा, बेहाल थे। तराई पालिंग सभा की स्थिति वही थी, वो आके सीधा जो कार्यक्रम नहीं था, फिर वापस गए कार्यालय में, फिर घुड़की लगा गए हैं। तो अभी डंडा मार मार के चलाए हैं, तो कहते हैं ना, सिखाए पूत पहाड़ नहीं चढ़ता। कितना भी कोशिश कर लें, अब वो ये मानसिक रूप से हार चुके हैं। लेकिन आरोप पत्र जारी किया, कम से कम ईडी आईटी वालों को बोल देते, भीड़ तो ऐसी हो जाती है। अपने मजबूत टीम का उपयोग नहीं किया उन्होंने। ये मोदी जी बार बार दो बार आने वाले छत्तीसगढ़, क्या लग रहा है सत्ता की जाम में छत्तीसगढ़ की दौरे पर आ रहे होंगे? लगातार छत्तीसगढ़ को कुछ दिया तो नहीं, लेकिन हाँ अभी आए थे साइंस कॉलेज ग्राउंड में, उम्मीद थी कुछ घोषणा करेंगे छत्तीसगढ़ के लिए, तो घोषणा किए नहीं, झूठ बोल के गए। फिर आने वाले रायगढ़ 14 तारीख को। सर आरएसएन की भीड़ हुई थी जो जिस दिन आप लोगों की सभा थी, उस दिन अमित शाह की भी सभा थी, सभा की भीड़ में बहुत ज्यादा अंतर दिखा, तो इसको किस तरह से देखते हैं? इसको सीधी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग बिल्कुल नापसंद करते हैं छत्तीसगढ़ के लोग, क्योंकि 15 साल उन्होंने ठगा है, लूटा है। और अब भारतीय जनता पार्टी के जो कलई है खुल चुकी है, और कांग्रेस की सरकार हमेशा गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं और नौजवानों के लिए काम करती है, तो यहाँ के व्यापारियों के लिए, यहाँ के उद्योग के लिए काम करती है, तो ये बात तो सभी समझ चुके हैं। और इसलिए यहाँ 2 लाख नौजवानों की भीड़ थी, वहाँ 10 हजार की भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाए भारतीय जनता पार्टी। सर आरएसएस चीफ मोहन भागवत का एक बयान है, वो कह रहे हैं कि समाज में जब तक डिस्क्रिमिनेशन रहेगा तब तक रिजर्वेशन को रखना पड़ेगा, जब तक रहेगा समाज में रिजर्वेशन को कंटिन्यू। जब बिहार के चुनाव हुआ था तो खत्म करने की बात कही, आज उसे सुर क्यों बदल गए? और यदि है ऐसा तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को बोले कि 70% के जो आरक्षण उसको लागू कर दो, लागू करने के लिए कहें, वो भी पड़ा हुआ है राजभवन। बीजेपी अपना दूसरा लिस्ट जारी नहीं कर पा रही है।